गोवर्धन मधुर मधुर बंसी बाजे से ही वृंदावन। तो इसीलिए कहते हैं कि जहाँ मधुर बंसी बजती हो भगवान की, और राधा कुंड और श्याम कुंड जहाँ विराजमान हो, और साधु संत महात्मा और ब्रजवासी हरि नाम का संकीर्तन करते हुए जहाँ पे दिखे, वही राधा कुंड और प्राचीन वृंदावन है। तो ये प्राचीन वृंदावन में हम लोग, मैं बद्रीनाथ में रहता हूँ, और बद्रीनाथ से और फिर जम्मू से सारी संगत आई हुई है, सभी लोग भारत के अमर वीर बलिदानियों की पुण्य स्मृति में, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुतियां दी देश के खातिर, उन्हीं के निमित्त, उन्हीं के नाम से, उन्हीं की याद में यहां पर 156 टन फलों का 156,000 केजी फ्रूट भोग लगता है राधा रानी के चरणों में। तो ये हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसी तरह से हम लोग प्रति वर्ष भोग लगाते हैं, ये 10 वर्ष हो गए लगातार। और रही बात प्रेरणा की, तो राधा रानी की जहाँ इच्छा होगी, जिसके द्वारा इच्छा होगी, प्रेरित वही होगा। अब बोलना क्या है इसमें, ये हमें सौभाग्य की बात है कि हमें मौका मिला, हमें सेवा का मौका मिला, तो हम बड़े भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं। आपको बारंबार सभी को आपके चैनल के माध्यम से सादर आमंत्रित करते हैं, जब कभी भी आपको मौका मिले गिरिराज जी की परिक्रमा करें, राधा कुंड धाम के दर्शन जरूर करें। जय जय श्री राधा।